नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू और आप देख रहे हैं टेक्निकल सोनूटेक चैनल। दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल आप सभी प्लम्बर के लिए। इस वीडियो में आज मैं आपको टॉयलेट में कमोड इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। अभी दोस्तों यहाँ पे जो आप देख रहे हैं टॉयलेट और बाथरूम वाला एरिया है, देखिए एरिया मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ये देखिए इंडियन सादा सीट यहाँ पे लगा हुआ है और देख सकते हैं एल बैंड भी यहाँ पे डाला हूँ, सिस्टम वहाँ पे लगेगा। और जो कमोड है वो देख सकते हैं यहाँ पे है और कमोड का पॉइंट वो दिखे वहाँ पे है, तो कमोड वहीं पे लगेगा। पूरा बाथरूम वाला एरिया आप देख सकते हैं। देखिए बाथरूम जो है ना, कोई देखिए 15,000 में कंप्लीट करवा लेता है और कोई 15 लाख में कंप्लीट करवाता है एक बाथरूम। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल सादा फिटिंग है, एकदम नॉर्मल इमरजेंसी में रेडी हो रहा है। ठीक है, कोई भी हैंडीकैप्ड आदमी है अगर इमरजेंसी में आपको इस तरह से टॉयलेट बाथरूम बनाना है तो इस तरह से डिजाइन आप कर सकते हैं। देखिए तीन टैप लगा है यहाँ पे, हॉट है, कोल्ड है, उसके बाद ये मोटर है और बाकी सब यहाँ पे टॉयलेट वाला एरिया है। तो अभी कमोड इंस्टॉल कैसे होगा कंप्लीट जानकारी दूंगा, आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। आइए यहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले कमोड का अनबॉक्सिंग करना होगा। ये देखिए कमोड का ये कवर है, कवर ही मैं खोल के आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले देखिए ये कवर है और कवर के साथ में यहाँ पे दो ब्रेकेट मिलता है, नट बोल्ट है इसको कवर को टाइट करने के लिए। कमोड के साथ में साइड में रखता हूँ, अभी कमोड इसमें है। अब देखिए अनबॉक्सिंग हो गया, कमोड ये है, बेल कंपनी का है, नॉर्मल कमोड है, ज़्यादा महंगा नहीं है, कोई भी यहाँ पे आसानी से इसको परचेज करके लगवा सकता है। देखिए साइड वाला व्यू है, पीछे वाला देख सकते हैं आप, यहाँ से दिख रहा है इस तरह से। इस साइड में फिक्स करने के लिए दो होल मिलेगा आपको दोनों साइड में, एक यहाँ पे आप देख सकते हैं, दूसरा देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अंदर से कुछ इस तरह का व्यू है, यहाँ पे जो भी कचरा होगा यहाँ पे गिरेगा, यहाँ से स्लिप करके आगे ये चला जाएगा, तो बढ़िया है। जिस हिसाब से इसका बजट है कमोड का उतने में ये तो ये बहुत ही बढ़िया है। देखिए नीचे से यहाँ पे इसका जो एस टाइप है वो देखिए यहाँ पे है, इस तरह से बनाया गया है, एस टाइप का टाइप इसमें लगा हुआ है, 4 इंच का ये आउटलेट है। अब कैसे फिट करना है, मेजरमेंट आपको कैसे करना है कि ये जो पाइप है आपको कितना काटना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे मेजरमेंट करेंगे। देखिए अभी आप देख सकते हैं, देखिए ये कमोड है और कमोड का ये वाला जो सरफेस है ना, देखिए ये वाला, इस सरफेस से अगर इसको आप मेजर करेंगे इस तरह से, तो अभी देखिए ये कितना 1 इंच अंदर हो रहा है। ये आप देखिए यहाँ से इस तरह से कुछ भी रखना है, यहाँ पर आपको पटरा वगैरह कुछ भी रख के आप देखेंगे अगर इस सरफेस से, तो ये यहाँ से 1 इंच अंदर आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला जो पाइप है ना आपका, ये वाला इस फ्लोर वाले सरफेस से, इस सरफेस से, क्योंकि ये अपना टाइल्स वाले सरफेस से रखा जाएगा, और अब इस सरफेस से ये वाला जो पाइप है ना, ये आपको कम से कम 1 इंच बड़ा रखना है और मैक्सिमम इसको आप 1.5 इंच कट करेंगे यहाँ पे, टाइल्स वाले सरफेस से 1.5 इंच मैक्सिमम और मिनिमम 1 इंच यहाँ पे इसको कट करेंगे। देखिए पाइप को मैं कट कर लिया, टाइल्स वाले सरफेस से 1 इंच मैं कट किया हूँ, अभी यहाँ पे टाइल्स नहीं लग रहा है, इमरजेंसी में लग रहा है, इसलिए यहाँ से इसको मैं 1 इंच कट किया हूँ। अगर आपका टाइल्स लगा होगा तो भी आप टाइल्स वाले सरफेस से 1 इंच या फिर मैक्सिमम 1.5 इंच कट करेंगे। चलिए कमोड को इसके ऊपर उठा के रखना है, देखिए कमोड को उठा के रख दिया इसके ऊपर। अब इसमें पानी डाल के लीकेज आप चेक करेंगे, देखिए पूरा 10 लीटर पानी डाला मैं, 10 से ज़्यादा ही डाला हूँ। साइड साइड में लीकेज चेक करेंगे, अगर लीकेज नहीं होता है तो फिर मार्किंग करेंगे, और लीकेज आ जाता है तो फिर दोबारा आपको सेट करना है। एक होल देख सकते हैं यहाँ पे है, दूसरा होल इस साइड में है, देखिए मार्किंग यहाँ पे है, एक ये है और एक ये है। 6 mm के ड्रिल बिट से इसको होल करेंगे। होल देखिए यहाँ पे हो गया है। अब यहाँ पे देखिए इसका फास्टनर भी आता है, लेकिन यहाँ पे मैं देखिए वाल प्लग यूज कर रहा हूँ, PVC वाल प्लग है ये वाला इस साइज का, और ये स्क्रू है यहाँ पे 4 इंच का। देखिए वाल प्लग यहाँ पे लगा लिया, अब इसके ऊपर कमोड को उठा के रखेंगे, देखिए इस तरह से रखना है, रख दिया। दोबारा पानी डाल के लीकेज को चेक करना है, और अगर लीक नहीं करता है तो फिर इसको टाइट करेंगे, और अगर लीकेज आता है तो फिर सेट करेंगे दोबारा कि लीकेज क्यों आ रहा है। किसी भी प्रकार का लीकेज नहीं होना चाहिए, कस्टमर की तरफ से कोई भी कंप्लेन नहीं होना चाहिए, ऐसा काम करना है प्लम्बर को। ठीक है, अपनी ब्रांडिंग अगर बनानी है आपको प्लम्बर को, तो फिर काम को अच्छा करना पड़ेगा। कितने घर चलाए
देखिए दोबारा पानी में डाल दिया और यहाँ पे आप देख सकते हैं कहीं भी साइड में लीकेज नहीं है। लीकेज चेक करना है, अदरवाइज गंदगी यहाँ पे फैलेगा, कस्टमर कंप्लेन करेंगे, बदबू करेगा। ठीक है, लीकेज अभी यहाँ पे नहीं है। अब कमोड को आप टाइट कर सकते हैं। देखिए दोनों स्क्रू लगा के यहाँ पे कमोड को टाइट कर देंगे। अब देखिए कमोड यहाँ पे पूरी तरह से फिक्स हो गया है, स्क्रू में टाइट कर दिया। नीचे किसी भी तरह का सीमेंट वगैरह नहीं लगाना आपको। देखिए बस यहाँ पे साइड में ग्राउटिंग कर देना है ताकि जो है गैप ना दिखे और गंदगी ना उसके अंदर जाए, दिखने में अच्छा दिखे, नहीं तो मक्खियाँ वगैरह बैठती हैं। ठीक है, अगर गैप आएगा, पानी गिरेगा गंदा, वहाँ स्टोर होगा, इसलिए ग्राउटिंग आपको कर देना है। अब बारी है यहाँ पे सिस्टम को लगाना, उसके बाद कवर भी लगेगा, जेट भी लगेगा, हेल्थ फ्यूचर भी लगेगा, सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। सिस्टम कैसे फिट होता है, लेवल वगैरह आप कैसे सेट करेंगे। देखिए सिस्टम ये है, ऊपर यहाँ पे कुछ माउंट करने के लिए मिल जाता है, यहाँ पे आप बाथरूम फ्रेशनर रख सकते हैं, इसलिए ये दिया हुआ है। लॉक दिया है, खोल के कवर को निकालेंगे, उसके बाद अंदर का पार्ट मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए अंदर सब पार्ट रखा हुआ है, ये बेस है, इसको निकाल लेंगे, बाद में लगाना पड़ेगा इसको। ये शॉर्ट एल बैंड है, पीछे लगेगा कमोड में। देखिए ये इसका वाल्व है ऑन ऑफ करने वाला। उसके बाद देखिए ये बाल है, कैसे काम करेगा अभी बताऊंगा। उसके बाद देखिए ब्लैक वाशर है, पीछे लगेगा। दो ब्रैकेट यहाँ पे दिया है जिसके सहारे ये सिस्टम को हैंग किया जाएगा। देखिए इस वाल्व को फिक्स करने के लिए दोनों साइड में दिया है, कहीं भी आप लगा सकते हैं। जैसे देखिए मेरा पॉइंट, देखिए टू एंगल कॉक यहाँ पर लगा है, तो मैं यहाँ भी रख सकता हूँ, उसके बाद इधर भी रख सकता हूँ, लेकिन ये मेरा यहाँ पर फिट होगा तो इधर ये जगह नहीं बच रहा है, इसलिए इसको मैं इस साइड में लगाऊंगा। ये वाला यहाँ से खोल के इधर लगेगा और ये वाल्व जो है ना, ये वाला अब यहाँ पे फिट होगा। देखिए अब ये पूरी तरह से प्रॉपर सेट हो गया है, आपको चेक कर लेना है, कहीं भी ये फंसता हुआ नहीं होना चाहिए। देखिए बाल को टाइट करने के लिए यहाँ पे दो दिया है दोनों साइड में, इधर भी आप लगा सकते हैं, और अगर इसको आप चेंज करेंगे, इधर पलटेंगे, तो ये वाला यहाँ पे चला जाएगा। देखिए सेट हो गया प्रॉपर अच्छी तरह से, और ये प्रॉपर टाइट कर लेना है, लीकेज वगैरह ना रहे। चलिए अब मार्किंग करना बताता हूँ कि मार्किंग आप कैसे करेंगे। देखिए ये सिस्टम है, और सिस्टम का ये टॉप लेवल है, ये वाला जो दिख रहा है ना, ये टॉप लेवल है। अब यहाँ पे सेंटर मार्किंग करेंगे। देखिए इस तरह से सेंटर मार्किंग किया, बहुत ही आसान तरीका है ये, कोई भी नया प्लम्बर इसको फिट कर सकता है इस तरह से मार्किंग करके। और ये लाइन यहाँ पे देना है इस तरह से। देखिए ये ब्रेकेट है, इसको अंदर इस तरह से डालना है, क्योंकि इसी पे सिस्टम मेरा हैंग होगा। अब ये टॉप से ये मेजर करेंगे कितना mm आ रहा है, जो ये होल है आपका। देखिए मेजर किया मैं, आप देख सकते हैं 30 mm आ रहा है। देखिए 30 mm पे आ रहा है होल जो है ना, ये 30 mm पे आ रहा है। देखिए टॉप से 30 mm पे आ रहा है। ये ब्लैक वाशर है, और ये देखिए ये एल बैंड है। ठीक है, तो अब क्या करना है, इसको खोलेंगे, ये सिस्टम का जो कवर है ये टाइट कर लेना आपको। कवर को यहाँ पर पहले ही आपको डाल लेना है इस तरह से। अब ये वाशर है, वाशर को यहाँ पे लगाएंगे कमोड के पीछे। अभी देखिए ये ढीला आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो ये चलेगा नहीं, दूसरा वाशर आपको लगाना होगा जो यहाँ पे टाइट हो। उसके बाद अब देखिए ये जो एल बैंड है ना, चाहे तो आप इसमें भी लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे इस तरह से डाला, अब सिस्टम को उठा के इसके ऊपर रखना आपको। कितना था अपना, 30 mm था, 30 mm मार्किंग करेंगे यहाँ पे होल करने के लिए। देखिए मार्किंग यहाँ पे हो गया, अब यहाँ पे होल करेंगे, 6 mm का ड्रिल बिट लगेगा होल करने के लिए।
अब देखिए यहाँ पे जो कमोड है पूरी तरह से इंस्टॉल हो गया है, सेशन भी इंस्टॉल हो गया है। यहाँ पे देखिए जेट वगैरह का पाइप सब कुछ मैंने यहाँ पे लगा दिया है। ये देख सकते हैं आप, एक प्लेस होने के लिए हेल्थ बूस्टर भी दिया गया है, उसके बाद यहाँ पे जेट भी दिया गया है, दोनों में से किसी एक से भी आप फ्रेश हो सकते हैं। उसके बाद सेशन भी इंस्टॉल हो गया है। अब आइए इसका मैं दिखाता हूँ किस तरह से ये काम करता है और लेबल वगैरह आप कैसे सेट करेंगे। देखिए पानी यहाँ तक भर चुका है, ऑटोमेटिक काम करता है, और यहाँ तक भरने के बाद पानी यहाँ पे गिरना बंद हो गया है, ठीक है। अब जैसे ही कोई फ्लश करेगा पानी इसका पूरा खाली होगा और ये बाल नीचे जाएगा, दोबारा यहाँ पे पानी भरना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए करके दिखाता हूँ, फ्लश करके मैं दिखाता हूँ आपको। पहले ये देखिए कमोड मेरा यहाँ पे है और यहाँ से मैं फ्लश किया इसको, ये देखिए फ्लश किया, देख सकते हैं प्रेशर यहाँ पे भरपूर है, किसी भी तरह का कचरा होगा पूरा क्लीन हो जाएगा। देखिए पानी खाली हो गया, देख सकते हैं बाल नीचे गया है और फिर से वापस ऑटोमेटिक भरना स्टार्ट हो गया है। जैसे ही पानी धीरे धीरे भरता हुआ ऊपर आएगा, ये बाल भी इस तरह से धीरे धीरे ऊपर आएगा, उसके बाद देखिए इस तरह से बंद हो गया। अभी मैनुअल किया हुआ बंद हुआ है, ऑटोमेटिक भरेगा ये जब पानी धीरे धीरे ऊपर आएगा, तो इस तरह से काम करता है ये। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ लेबल आप कैसे सेट करेंगे, कम ज़्यादा करना हो तो। देखिए यहाँ पर दिया है घुमाने के लिए, अगर आपको लेबल बढ़ाना है तो इसको लूज कर देंगे, और अगर लेबल को कम करना है तो इसको टाइट करेंगे। देखिए ये जो अंदर वाला छोटा वाला यहाँ पे निकला हुआ है ना, ये लॉक टाइप का, ये इसके अंदर बाल है, ठीक है, ये इसको दबाता है, प्रेस करता है। जब इस तरह से आप इस तरह दबा देंगे तो देखिए एयर मिलना बंद हो जाएगा, पानी गिरना बंद हो जाएगा, और जैसे ही यहाँ पे देखिए अब ये बाहर आया, ठीक है, क्योंकि दबाव हट गया है तो वाल ओपन हो गया, अंदर का एयर मिल रहा है और पानी यहाँ पे गिरना स्टार्ट हो गया है। तो इस तरह से ये काम करता है, पूरा ऑटोमेटिक रहता है ये। तो अभी पूरी तरह से यहाँ पे कमोड और ये सेशन इंस्टॉल हो चुका है। चलिए इसको कवर में लगा देता हूँ। देखिए यहाँ पे कवर भी लगा दिया और बिल्कुल पूरी तरह से ये फिट हो चुका है। उसके बाद ये बाथरूम वाला एरिया है, देखिए यहाँ पे मोटर का सप्लाई है, कोल्ड वाटर है, गीजर वाला है, यहाँ पे आ रहा है बाईपास होके। देखिए ये 15,000 में पूरा फाइनल हुआ है ये टॉयलेट, कोई कोई 15 लाख रुपए एक टॉयलेट में लगाते हैं। तो देखिए लेकिन ये शावर है, यहाँ पे शावर का प्रेशर भी बहुत बढ़िया है, 1,200 रुपए में भी ऐसा प्रेशर नहीं आता, जो कि ये लगभग 150-200 रुपए का सही शावर होगा। लोकल शावर में आप देख सकते हैं प्रेशर कितना बढ़िया आ रहा है, ठीक है। तो हर कोई चाहता है अपनी इच्छाओं को पूरा करना, कोई ज्यादा पैसा खर्चा करता है और कोई कम पैसे में भी अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है। देखिए इस तरह से पूरा कंप्लीट है ये। तो बस इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो में मुझे आपको ये अवेयर करना था कि यहाँ पे आप कमोड कैसे इंस्टॉल करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और उम्मीद करता हूँ जो कुछ भी एक्सप्लेन किया वो सब आपकी समझ में आया होगा। कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन जरूर टाइप कीजिए, उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा मैं। और साथ में आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब पे देखना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज पे देखना तो पेज को जरूर फॉलो कीजिए। पेज का जो नेम है वो है सोनू इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग सर्विस। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ फिर किसी अगले वीडियो में नटॉक के साथ।